एक बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ ने राणा मशहूद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। अहम खबर, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तलब किया था राणा मशहूद को और पार्टी रुकनियत को अब मुअत्तल कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, तलब किया गया था तो इसका मतलब है कि वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए, इसी वजह से उन्हें उनकी रुकनियत से मुअत्तल किया गया। जी, राणा मशहूद को शहबाज शरीफ ने तलब किया था, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर है। उन्होंने बुलाकर जो है वो राणा मशहूद से जो कल का बयान था उनका, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की थी, उस पर जो है उनसे बात पूछ की, तो वो इसका कोई वाज़े जवाब नहीं दे सके और वो बार बार ये कहते रहे कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन वो उनका बयान चूँकि वो टीवी पर चल चुका था, एक निजी टीवी चैनल पर वो चला था और उस हवाले से उसमें कोई दो राय नहीं थी कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया, और इस हवाले से जो है वो उनकी रुकनियत जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और उनकी रुकनियत जो है और उसका फैसला तीन रुकनी कमेटी भी शहबाज शरीफ ने जो है वो बना दी है, जो कि इस हवाले से तहकीकात करेगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी इस तीन रुकनी कमेटी में। अच्छा, मियां शाहिद, एक हफ्ते की रिपोर्ट तो पेश करनी है, लेकिन अभी एक नुकता है, जरा रहनुमाई कीजिएगा कि अभी चूंकि वोट दिया है सेनेट की एक नशिस्त के लिए राणा मशहूद ने, अगर पार्टी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है तो उसके बाद उस वोट की क्या हैसियत है, वो बरकरार रहेगी? देखिए, जो है वो पार्टी रुकनियत मुअत्तल किया, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया, और जो है वो पार्टी रुकनियत में वो पार्टी के हवाले से कोई चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो रुकने सूबाई असेंबली है और वो रुकने सूबाई असेंबली में वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी अपना वोट कास्ट करते हैं। तो इस तरह जो है वो उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से उनके असेंबली में वोट जो है डालने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। आज यहाँ पर भी जब उनसे ये सवाल किया गया, जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे कि उन्होंने कल जो बयान दिया है उस हवाले से जो है वो उसकी वजाहत करें, तो वो आए बाएं शैंग करते रहे और उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, और उनका ये कहना था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन जो है वो उनके पास कोई इस बात का जवाब वाजह तौर पर नहीं था। ठीक है।